लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तारकासुर की सेना स्वर्ग पर चढ़ाती है, किंतु अग्नि, वरुण व पवन के प्रतिहार से असुर सेना भागकर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करती है। गुरु बृहस्पति की मंत्रणा से देवगण ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि विष्णु के पास आते हैं। सभी मिलकर कैलाश पर शिव जी के पास जाते हैं। कैलाश भवन में भगवान शिव माता पार्वती भोग समाधि में मग्न है।
के आते ही परम उनके शिव तेज को अपने अंग में ग्रहण कर लें, अन्यथा सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। असुर के कारण कष्टों का अंत नहीं है मनीष। धैर्यहीन, धर्महीन और बुद्धिहीन देवगण, तुमने अस्मय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियाँ कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें। माता पार्वती हम पर दया करें। दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। शरण ले लो अग्निदेव, यही बुद्धिमानी है। शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करे। पुंज गंगा जल के प्रवाह से तट पर आ लगता है, जहां उसके प्रभाव से संपूर्ण वातावरण दिव्य हो उठता है।
वेग से चलते पवन के चंचल स्पर्श से पत्ते लयबद्ध ध्वनि करने लगते हैं। तट पर ऋषि विश्वामित्र शिष्यों सहित यज्ञ कर रहे हैं कि अकस्मात शिशु के रुदन की गूंज उन्हें सुनाई दे। क्या हुआ गुरुदेव? आप खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रुदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव? ये शिव पुत्र है। शिव पुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिव पुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिव पुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। सिकंद नाम शक्ति पुंज नमो नमः। हे शिव पुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। ज्ञान और शक्ति आप में समा गई है। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा। हे विश्वामित्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। ओम नमः शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान जगत पर करें? शिशु का पालन कर सके। छह माताएं?
छह कृतिकाएं जिनके द्वारा इस शिशु का जन्म हुआ है, प्रभाकृति, आभाकृति, तेजाकृति, अव्याकृति, शोभाकृति और सुकृति। तुम नक्षत्र को जाकर इन कृतिकाओं को इस शिशु के विषय में सूचित कर दो, यही शिव इच्छा है। शिव इच्छा अर्थात सदिच्छा, और नारद का तो कर्म ही है सदिच्छाओं की सूचनाएं देना। नारायण नारायण। कैसे कौन सा शुरू हो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्यकृति कुछ दिखाई दिया? नहीं, तेजाकृति, प्रभाकृति, शोभाकृति और आभाकृति किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप और यहाँ, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आज नक्षत्र लोक में आना कैसे हुआ? नारद जिस लोक में भी जाता है लोक कल्याण के लिए ही जाता है, और आज नक्षत्र लोक में भी इसलिए आया है कि आपने मातृत्व जागृत होने के कारण आप सभी की गोद भर देने का सुफल देना चाहता है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं नहीं, उस शिशु का रुदन कह रहा है जो आपके मातृत्व के अभाव में व्याकुल है। अर्थात जिस शिशु का रुदन सुनकर हमारा मातृत्व जागृत हुआ है, आप सभी उसकी माताएं हैं। मातृ प्रेम अकारण तो उत्पन्न नहीं होता। आप सभी ने पिछले जन्म में दिव्य पुत्र की माताएं बनने का वरदान प्राप्त किया था, वो वरदान अब फलित हुआ है, और यही शिशु आपकी मातृ भावनाओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए सखन वन के जल में रुदन द्वारा वो आप सभी को पुकार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार महाबली तारकासुर का वध इसी शिशु द्वारा होगा। दुष्ट तारकासुर की कुदृष्टि इस पर ना पड़े, इसीलिए कुमार अवस्था प्राप्त होने तक इसका लालन पालन यहाँ नक्षत्र लोक में आप सभी के द्वारा होगा। अर्थात हम सब उसकी माता हैं और वो हमारा पुत्र है। सत्य कहा आपने, ये पुत्र ऐसे सुख प्रदान करेगा अपनी माताओं को कि जन्म जन्मांतर तक उस सुख का स्मरण करके तुम सुखी होती ही रहो। देवर्षि, इतने समय से आप चर्चा ही कर रहे हैं। आपकी ये लंबी चौड़ी चर्चा माताओं और पुत्र के बीच अवरोध बनी हुई है, तो आप विलंब क्यों? आओ चले, शीघ्र चले। माता का हृदय कब और कैसे बनाया है प्रभु? क्या आपने मन की करुणा और माता के हृदय की ममता के मेल से बनाया है? देखा ना, पुत्र का नाम सुनते ही कैसी सबके सब भाग गई अपने पुत्र कार्तिकेय के पास। मैं ओंकार हूं, सद्वृत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं। किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं, मैं ओंकार हूं। फूलों से आच्छादित शिव पार्वती महामिलन की मुद्रा में एक दूसरे के समीप है, और तभी देवगण की पुकार उनके महामिलन में बाधक होती है। ब्रह्मा के आदेश से अग्नि कपोत बनकर कैलाश भवन में प्रविष्ट होते हैं। विघ्न के कारण क्रोधित होकर पार्वती देवताओं को श्राप देती है, तथा शिव का तेज कपोत में समाकर उसे पीड़ित करता है। वो गंगा में शिव तेज छोड़ता है जिसे छह कृतिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। किंतु
पंचाक्षरी मंत्र के जाप से वे मुक्त होती है। बस मेरे लाल बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो इसका चेहरा कितना कुंभला गया है। ला मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं, और तुझे ही क्यों, मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ क्यों। शिशु भी अपना रुदन रोक कर ये देखो ये सोच रहा है कि ये मेरी कैसी माताएं हैं जो मेरे समीप आने के लिए अपने आप में भेदभाव करके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। विचार करो देवियों, विचार करो। नारायण नारायण। मेरा लाल, नहीं नहीं नहीं, आज से हम सब मिलकर इस शिशु का पालन पोषण करेंगे नक्षत्र लोक ले जाकर। हाँ देव ऋषि, हमारा वास तो वही है। चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ मुझे दो, सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी। ये क्या बात हुई, शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। पच पच, छह बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को छह माताएं नहीं संभाल पा रही है। हाँ छह बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। छह बच्चे नहीं तो क्या, छह मुक्त हैं। सखियों हमारे इस पुत्र का नाम क्या है। कार्तिकेय। कार्तिकेय, आप सभी मेरी माताएं हैं, छह माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे हाथी, ठम ठम ठम। जो मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ बैठ जाना मयूर की सवारी पर, तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ हाँ अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में रानी कहाँ है। रानी अथवा रानिया। क्या क्या, मेरी छह माताएं हैं।
एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। अरे अरे उदास क्यों होती हो? छह माता के आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी जिसको एक भी पुत्र नहीं। राम माता, कुशल तो है? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझसे माता पार्वती की उदासी देखी नहीं जाती। आप कुछ उपाय करें भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ, ये आपकी कैसी लीला है? एक और तो आप कह। इस समय हमारी लीला की चर्चा ना करो नारद, अन्य कोई चर्चा करो। और हाँ नंदी, तुम पार्वती के पास जाओ, हम भी वहां आते हैं ये जानने कि वे उदास क्यों हैं। भोलेनाथ, नंदी तो गए, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चुप क्यों किया? तुम शिव पुत्र की चर्चा करने वाले थे, पर हम नहीं चाहते कि इस समय पार्वती को इस विषय में कुछ पता चले। अभी वो समय नहीं आया, समय आने पर हम स्वयं पार्वती को सारी स्थिति से परिचित कर देंगे। आपकी लीला आप ही जान। हर हर महादेव। नारायण नारायण। शिव पत्नी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल है, और उधर शिव पुत्र नक्षत्र लोक में न जाने क्या कर रहे होंगे। और हाँ, शोणितपुर में तारकासुर क्या कर रहे हैं ये देखना भी अत्यंत आवश्यक है। नारद, चलो नारद शोणितपुर। दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। शोणितपुर के अधिपति महाबली तारकासुर की जय। ऐसे नहीं, बोलो असुर सम्राट त्रिलोक विजयी तारकासुर की। अरे बोलो बोलो, कार्तिकेय की जय बोलकर क्यों हमारा अपमान करने पर तुले हुए हो? स्वर्ग से पतित होने के पश्चात जय योग कहां रहा तुम्हारा महाबली तारकासुर? महाबली, आप और हम स्वर्ग से पतित हुए हैं, अपने लक्ष्य से पतित नहीं हुए। हम उन कायर देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने की योजना बन रही है? हाँ नारद जी, अब यही एकमात्र उपाय है जो हमारे महाराज को संतुष्ट कर सकता है। सावधान प्रलम्बासुर, सावधान। परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर यदि आपने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की कुचेष्टा की, तो ये स्मरण रहे कि आपका अंत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाएगा। सुना आपने मेरे वीरों, ये चोटी वाला नारद जो देवताओं का गुप्तचर दूत और न जाने क्या क्या है, हमें नष्ट करने की कामना कर रहा है। क्यों ना ऐसे दुष्ट को हम ही नष्ट कर दें। मेघासुर, प्रलम्बासुर, इसकी चोटी पकड़कर इसके सिर को धड़ से अलग कर दो। नारायण नारायण। मेघासुर, नारद की चोटी में विद्युत तरंग है, हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। नारायण नारायण। तुम दोनों दुष्टों को नारद तक पहुंचने के लिए अनेक अनेक जन्म लेकर पुण्य संचित करना होगा। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नारद। छोड़ोगे तो तब ना जब मुझे पकड़ोगे दुष्ट, और वो तुमसे संभव नहीं। विधाता ने इस जगत में अनेक विषैले कीड़े मकोड़े बनाए,
उसी समय तुम जैसे मानव आकृति वाले दुष्ट जीव भी उत्पन्न कर दिए। नारद नारायण नारायण और यदि आप इसी प्रकार चिल्लाते रहे तो कंठ भी कुंठित हो जाएगा। नारायण नारायण। आपका अंत समय समीप आ गया है दैत्यराज। आपका काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। यह वही शिवपुत्र है जिसके हाथों मरने का वरदान आपने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था। नारायण नारायण। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। तेरा काल शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारद क्या बोल कर गया है? ये शिवपुत्र जन्म ले चुका है? असत्य बोलता है नारद। नहीं, नारद कटु बोलता है, अधिक बोलता है, कभी कभी ना बोलने वाले शब्द भी बोलता है, परंतु असत्य कभी नहीं बोलता। प्रमाण की आवश्यकता है। मेघासुर प्रलंबासुर आज्ञा करें महाबली। कैलाश जाकर गुप्त रूप से पता लगाओ कि शिव पुत्र ने कब जन्म लिया है और वो किस स्थिति में है। यदि सामने पड़ जाए तो तुरंत उसे वहीं समाप्त कर दो। महाबली की आज्ञा का पालन होगा। अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिव पुत्र का विनाश।